ये जो मलबा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 घंटे पहले एक बड़ी बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग के भीतर फटाके बनाने का काम चल रहा था और फटाके बनाने के साथ ही यहाँ कई सालों से फटाके का स्टोरेज भी होता है, गोडाउन भी है यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो बेरागढ़ है हरदा जिला मुख्यालय पर है और यहाँ पर रहवासी इलाका है। यहाँ पर आसपास बहुत 100 से अधिक मकान है लोगों के जिनमें लोग रहते थे। इस फटाका फैक्ट्री में लगभग 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं। आज 11 बजे के करीब इसमें एक भयानक विस्फोट होता है और विस्फोट इतना भयानक था कि वह पूरे हरदा जिले को थर्रा दिया। करीब 20 किलोमीटर के इलाके तक उसकी गूंज सुनाई दी और फटाका फैक्ट्री में आग लगने के कारण अभी तक 59 लोग घायल हो चुके हैं जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा अभी 6 लोगों की मौत और 59 लोगों के घायल होने का है और फटाके में लगातार अभी आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है, विस्फोट हो रहा है यार, विस्फोट हो रहा है लगातार और यहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि हरदा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और सीएम मोहन यादव भी इसको लेकर जो है आपातकालीन बैठक कर चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे के बाद भी लगातार विस्फोट हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है, मलबा आप देख रहे हैं और प्रशासन की टीम यहां पर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदा जिले में ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों टन, सैकड़ों टन बारूद भरा हो और रहवासी इलाके के बीच ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, प्रशासन ने इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। आज यदि प्रशासन समय रहता इस पर कार्रवाई कर देता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अभी यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह रवाना कर दिया है कलेक्टर साहब ने और MY और सुपर स्पेशलिटी सैम्स और चोइथराम में बर्न यूनिट को जितनी भी हैं वो सभी बेड करीबन 33 बेड रेडी हैं यहाँ पर और आर्थो के भी जो हैं कुछ फ्रैक्चर वगैरह हैं उसके लिए भी पूरी तैयारी। एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम कितनी रवाना की गई है? करीबन 25-26 एम्बुलेंस रवाना हो गए। तैयारियाँ पूरी हैं? हाँ पूरी तैयारी। और यहाँ पर हमने कलेक्टर साहब ने यहाँ पर ADM और SDM और अधिकारियों को लगा दिया है सभी जगह और सभी डॉक्टर्स को और जो पूरी टीम को सबको अलर्ट करा दिया। सर फायर की टीम भी कुछ फायर को लेकर रवाना किया गया यहाँ? हाँ यहाँ से एम्बुलेंस गई। सर घायलों का क्या आने का? दस भेजा है, फायर पार्टर भी भेजा है यहाँ से। सर कितने लोग घायल हुए वो अभी वहाँ से पता करेंगे, अभी जब पूरी स्थिति क्लियर होगी तो कुछ आने की संभावना है घायल यहाँ पर? अभी हमने भेजा है लेकिन आएंगे तो आपको बताएंगे। कितनी एम्बुलेंस गई होंगी सर यहाँ से? 26। ठीक है। हरदा में जो दुखद घटना हुई है अगर उसके कारण यहाँ पर कुछ घायलों को रवाना किया जाता है इसे तो हमारी पूरी तैयारी रहे, इसके लिए हमारी प्रशासन की और MI की और मेडिकल कॉलेज की टीमों ने पूरा देख लिया है। कमिश्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों के द्वारा पूरे शहर में लगभग 70 के आसपास बेड आरक्षित करके रखे गए हैं जिसमें मैक्सिमम MI और सुपर स्पेशलिटी में है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों में हमने बात करी है। लगभग 26 की संख्या में एम्बुलेंसेज हमने रवाना करी और 10 फायर टेंडर्स भी यहाँ से रवाना किए हैं। अगर किसी भी स्थिति में यहाँ पर घायलों को रेफर किया जाता है तो वहाँ पर हमारी पूरी तैयारी है जिससे कि उनका समुचित उपचार हो सके। ये जो मलबा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 घंटे पहले एक बड़ी बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग के भीतर फटाके बनाने का काम चल रहा था और फटाके बनाने के साथ ही यहाँ कई सालों से फटाके का स्टोरेज भी होता है, गोडाउन भी है यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो बेरागढ़ है हरदा जिला मुख्यालय पर है और यहाँ पर रहवासी इलाका है। यहाँ पर आसपास बहुत 100 से अधिक मकान है लोगों के जिनमें लोग रहते थे। इस फटाका फैक्ट्री में लगभग 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं। आज 11 बजे के करीब इसमें एक भयानक विस्फोट होता है और विस्फोट इतना भयानक था कि वह पूरे हरदा जिले को थर्रा दिया। करीब 20 किलोमीटर के इलाके तक उसकी गूंज सुनाई दी और फटाका फैक्ट्री में आग लगने के कारण अभी तक 59 लोग घायल हो चुके हैं जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा अभी 6 लोगों की मौत और 59 लोगों के घायल होने का है और फटाके में लगातार अभी आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है, विस्फोट हो रहा है यार, विस्फोट हो रहा है लगातार और यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि हरदा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, SDRF की टीम बुलाई गई है और CM मोहन यादव भी इसको लेकर जो है आपातकालीन बैठक कर चुके हैं
और अभी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे के बाद भी लगातार विस्फोट हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है, मलबा आप देख रहे हैं और प्रशासन की टीम यहां पर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदा जिले में ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों टन सैकड़ों टन बारूद भरा हो और रहवासी इलाके के बीच ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, प्रशासन ने इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। आज यदि प्रशासन समय रहते इस पर कार्रवाई कर देता तो शायद ये हादसा नहीं होता।